जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पांच ऐसे ऐप्स जिसके अंदर आप ऑनलाइन म्यूजिक सुन सकते हो, वो भी दोस्तों अनलिमिटेड, और आपसे कोई भी चार्जेज नहीं लगेगा वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, आप म्यूजिक को सुन सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन मतलब कंडीशन ये है कि आपकी गैलरी के अंदर सेव नहीं होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सब एप्लीकेशन पसंद आएगी, और जो भी एप्लीकेशन आपको पसंद आए लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों इन एप्लीकेशन की बात करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे वाले लाल बटन को दबाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी फेवरेट एप्लीकेशन कौन सी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ऐसी ऐसी एप्लीकेशन को ऐड किया है जिसके अंदर आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और सभी गाने मिल जाएंगे, और वहाँ पे मतलब बहुत ही कम ऐड देखने को मिलेगी। हालांकि ऐड तो देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ही कम, और बहुत ही कम डेटा वहाँ पर खर्च होगा। और जैसे कि स्पॉटीफाई थी, उसको मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि दोस्तों वो काफ़ी मतलब डिफिकल्ट थी इसको यूज़ करना, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। और जो भी एप्लीकेशन मैंने इसके अंदर ऐड की है बिल्कुल सिंपल है, सिंपल इंटरफेस है। अब चलिए इसी के साथ बात करते हैं हमारे जो पहले नंबर की एप्लीकेशन है, जो कि है वाई म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, YouTube ने भी अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है म्यूजिक की कैटेगरी में, तो जिसका नाम है YouTube म्यूजिक। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो YouTube म्यूजिक को किस तरह से यूज करना है, तो देखिए सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और जैसे YouTube म्यूजिक को ओपन करूँगा मैं, तो देखिए अभी मेरा नेट स्लो है तो इसीलिए लोडिंग चल रहा है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। क्या है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ थोड़ा रूरल एरिया है, तो वहाँ पर थोड़ा नेट वगैरह स्लो है, तो अभी ऐड वगैरह आएगी उनको क्लोज कर दीजिए। वैसे ऐड नहीं है, ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए बोल रहा था। तो अभी देखिए जैसे मैं वहाँ पर सर्च करूँगा यालगार, तो हमारे सामने एक मतलब म्यूजिक आ जाएगा, जो भी हम सर्च करेंगे वो म्यूजिक आ जाएगा। तो अभी मैं आपको प्ले करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकता है मेरी वीडियो में, तो इसलिए मैं इसको प्ले करके नहीं बताऊँगा। बट आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हो, और दोस्तों कुछ भी यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन मैंने बोला है कि गैलरी में सेव नहीं होगा, और यहाँ पे आपको लिरिक्स भी प्ले होंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको मतलब कोई बॉलीवुड गाना पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इश्क सूफियाना, जो कि मेरा पहले फेवरेट गाना रह चुका है, तो इसको मैं सुना के दिखा देता हूँ। क्या एक मैंने इस गाने को इसलिए ऐड किया क्योंकि ये बहुत पुराना गाना था, ये हर किसी एप्लीकेशन में मैंने देखा, हर किसी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इस गाने को यहाँ पे पर्टिकुलर चूज किया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये गाना आपको मिल जाता है, और लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग भी मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो, और कोई भी गाना है उसको प्ले कर सकते हो, और यहाँ से मतलब आराम से ऑनलाइन म्यूजिक को सुन सकते हो। तो जैसा कि मैंने बोला था बिल्कुल सिंपल इंटरफेस होगा, बिल्कुल सिंपल यूज़ करने के लिए होगा आपको, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी यूज़ करने में। तो मतलब वैसे ही एप्लीकेशन मैंने इसके अंदर ऐड किया, तो आपको ये एप्लीकेशन कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे जो दूसरे नंबर की एप्लीकेशन है जिसका नाम है रेसो। तो दोस्तों रेसो एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ही हम ओपन करेंगे इसको तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखिए दोस्तों आपने टिकटॉक जैसे चलाया होगा तो उसी तरह के यहाँ पर इंटरफेस मिलने वाला है, आप टिकटॉक की तरह इसको चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर मतलब स्लाइड करना है, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लिरिक्स भी आएंगे। देखिए दोस्तों जो भी गाना चल रहा है उनके लिरिक्स भी लिखे हुए आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। और जो भी आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च बार में आके भी इसको मतलब सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वालिटी पूछ रहा है, रेगुलर, गुड और एक्सीलेंट, तो यहाँ से आप कोई भी क्वालिटी चूज कर सकते हो। अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा फिलहाल। और दोस्तों यहाँ पर शेयर करके इसको आप मतलब ग्रुप, कोई भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी इसको आप शेयर भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों इसको आप लाइक कर सकते हो, ताकि क्या कि आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा, जिससे आप इस गाने को कभी भी सुन सकते हो। और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको स्लिप टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जैसे कि आप इस गाने को प्ले करके रखोगे तो 10 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, जो भी आप टाइमिंग यहाँ पे सेट करोगे उसकी पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये गाने वगैरह चलने यहाँ पे बंद हो जाएंगे, और ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। और दोस्तों सर्च बार में आके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ये फेवरेट, मुझे काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन लगी, और दोस्तों मुझे पर्सनल फेवरेट लगी ये एप्लीकेशन। तो आपको ये एप्लीकेशन कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे पर्सनली एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी लगी, क्या इसके अंदर मुझे ऐड अभी तक जितना मैंने इसको यूज़ किया मुझे कहीं पर भी ऐड नहीं देखे। और दोस्तों यहाँ पे सर्च बार वगैरह काफ़ी अच्छा, हर कोई गाना यहाँ पे प्ले हो जाता है, और सभी गाने अवेलेबल है, मैंने सब कुछ देखा, काफ़ी अच्छा इंटरफेस भी है, बिल्कुल सिंपल यूज़ है। और दोस्तों इसके अंदर जो लिरिक्स चलते हैं वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, कि जो मतलब जो गाना चल रहा है उसके वर्ड्स भी यहाँ पे लिखे आते हैं, तो अगर किसी को गाना कॉपी करना है या फिर लिखना है तो वो भी काफ़ी अच्छी बात निकल के आ जाती है इस एप्लीकेशन से। अब बात कर लेते हैं हमारे जो तीसरे नंबर की एप्लीकेशन है, जो कि गाना। अब दोस्तों गाना एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है, कैसा इंटरफेस है, बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है जैसा कि मैं बोल चुका हूँ। तो देखिए सिंपली जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, और देखिए यहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत ऐड देखने को मिले थे। और दोस्तों देखिए सर्च बार में आके मैं कोई भी और गाना प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मतलब लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह ऐसा कुछ टाइप करते हैं, फिर देखते हैं कि मतलब लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग यहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं। दोस्तों अवेलेबल है ये तो मैंने देखा है, बट आपको भी दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने लेटेस्ट सॉन्ग को मतलब यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे लेटेस्ट सॉन्ग आ जाते हैं, जो कि बॉलीवुड सॉन्ग है, देख सकते हैं आप बिल्कुल।
और यहाँ पे अभी मैं सुकून वाले गाने को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मतलब वास्तव में ये चल रहा है और कोई भी पैसे वगैरह आपसे यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है और आप पे देखिए कुछ भी पैसे वगैरह चार्ज नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आप डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो इसीलिए मेरा डाउनलोड यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए मतलब ये डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके सामने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बोलेगा कि आप लेना चाहते हो अपनी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप नहीं ले तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारे चौथे नंबर की एप्लीकेशन है जो कि हंगामा म्यूज़िक है। अब दोस्तों हंगामा म्यूज़िक के काफ़ी सारे डाउनलोड थे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ थे, तो इसीलिए मैंने इसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड किया और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मतलब ऐड देखने को मिले थे, इसीलिए मैंने इसको चौथे नंबर पर रखा है। तो देखिए जैसे आप हंगामा म्यूज़िक को ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखिए अभी मेरा लोडिंग चल रहा है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छी बात है कि मेड इन इंडिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात निकल के आ जाती है। और दोस्तों अभी टाइप करते हैं यहाँ पे जो इश्क सूफियाना, जो कि मैं बोल चुका हूँ ये गाना हर किसी एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ये गाना भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और आपको सभी गाने मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल अनलिमिटेड है। सभी ऐसी एप्लीकेशन लेके आए हूँ जहाँ पर आपको कोई भी पैसे वगैरह चार्ज करने नहीं पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डर्टी पिक्चर का जो गाना है इश्क सूफियाना, तो वो भी यहाँ पे प्ले हो रहा है और यहाँ पे देखिए लिरिक्स वगैरह भी बता रहे हैं। और दोस्तों ये एप्लीकेशन भी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब बात कर लेते हैं हमारे जो वीडियो की सबसे लास्ट एप्लीकेशन है जो कि जियो सावन है। और दोस्तों आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाले लाल बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्या किसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं जियो सावन म्यूजिक को किस तरह से यूज करना है, कैसा इंटरफेस आपको मिलने वाला है। तो जैसे आप जियो सावन म्यूजिक को ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अभी मेरा नेट स्लो है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और जियो सावन दोस्तों मुझे इसकी सबसे घटिया बात ये लगी कि ये यहाँ पर दोस्तों नेट बहुत स्लो चलता है इस एप्लीकेशन के अंदर। हालांकि मेरा नेट काफ़ी अच्छा चल रहा था, अदर एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी स्मूथली वर्क कर रही थी, बट इस एप्लीकेशन के अंदर मतलब नेट काफ़ी स्लो वर्क कर रहा था। तो अभी देखिए मैं सर्च बार में आके कोई भी गाना प्ले कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर दोस्तों मुझे मतलब कहीं कहीं थोड़े बहुत बग दिखते हैं, बग देखने को मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको कई सारी कैटेगरी मिल जाती है जैसे कि कुमार सानू, यहाँ पे देखिए इनके सारे गाने यहाँ पे प्ले हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक इनका एक आध गाना प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हैं ऐड आ चुकी है इसके अंदर, तो इसीलिए मैंने इसको अब सबसे लास्ट में ऐड किया हुआ है। तो देखिए अभी ये है गाना जो कि दिल वाले फिल्म से, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले फिल्म से है, तुझे देखा तो जाना सन वाला ये गाना है। और दोस्तों ये एप्लीकेशन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट क्या है कि इस एप्लीकेशन को सबसे ज़्यादा डाउनलोड मिले हुए थे इसलिए मैंने इसको ऐड किया और सिंपल यूज़ था इसलिए मैंने इसको ऐड किया। अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है तब इसको आप इस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज मैंने कई सारे अच्छी अच्छी एप्लीकेशन बताई उनको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपकी फेवरेट एप्लीकेशन कौन सी थी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी पर्सनल फेवरेट एप्लीकेशन है रेसो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी फेवरेट एप्लीकेशन कौन सी थी। सो दोस्तों मिलते हैं किसी इसी तरह की इंटरेस्टेड अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।